महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय पर इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजवाड़ा पर जलेबी बांटी, ढोल नगाड़ों पर जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी मिली, जिन पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, वही मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जाएं। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जश्न। इंदौर के राजवाड़े पर मंत्री विजयवर्गीय ने बांटी जलेबी। महाराष्ट्र में चला कैलाश विजयवर्गीय का जादू, विदर्भ में किया जबरदस्त प्रदर्शन। मंत्री कैलाश बोले, जनता चाहती है देवेंद्र फडणवीस बनाए जाएं सीएम। महाराष्ट्र की महाविजय के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जोश में हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के साथ शहर के राजवाड़ा पहुंचे और जीत का जश्न मनाया। जीत की खुशी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जलेबी पार्टी करते हुए कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाई, ढोल नगाड़ों पर जीत की खुशियां मनाई। जीत में मंत्री कैलाश का बड़ा योगदान है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा नेतृत्व ने नागपुर जिले की 12 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के करीब 450 कार्यकर्ताओं की फौज लेकर विदर्भ में पहुंचे और प्रचार प्रसार किया। करीब 3 महीने तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी प्रबंधन संभाला था। पूरे महाराष्ट्र में कैलाश के प्रभार वाले विदर्भ ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, तो इंदौर के राजवाड़ा पर जश्न मनना शुरू हो गया। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति और हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी जी और देवेंद्र भाऊ और युति के सभी नेताओं की और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। इतनी बड़ी जीत हुई है, मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी का नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति काम आई। जनता ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता। लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था, महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है। ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का, सारे देश का विश्वास। इतना ही नहीं, मंत्री विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि जनता चाहती है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस हो। देखिए, सभी का असर है। जब भी कोई चुनाव जीता जाता तो उसमें गुलदस्ता रहता है, उसमें बीच में मोदी जी का फूल लगा हुआ, इधर अमित शाह जी का फूल है, इधर नड्डा जी का फूल है, उधर नितिन गडकरी जी है, उधर देवेंद्र बाबू है, तो गुलदस्ता रहता पूरा। और फिर सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जो नीतियाँ हैं और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि
50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा, और इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, तो मुझे लगता है महिलाओं ने मतदान बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। झारखंड में क्या कमी रही है? अब झारखंड के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं झारखंड से बिल्कुल, मेरी खाली शिवराज जी से बात होती थी तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, पर कहाँ कमी हो गई वो हम विश्लेषण। कुल मिलाकर नागपुर जिले में भाजपा की सफलता से विजयवर्गीय का कद बढ़ना तय है। अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनके महाराष्ट्र के प्रदर्शन को देखते हुए विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।